वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। दोस्त वार्निंग, आप बिग वेलकम टू दैम। दोस्त हु डिड नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन। देन गिव बिग थम्स अप टू माई व्लॉग। अगर आप भी ऐसी आम की खट्टी मीठी मज़ेदार चटनी घर में बनाना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को कम्प्लीट देखिएगा। अच्छा जी, नमक लेंगे पिंच, राई दाना लेंगे हाफ टी स्पून, लाल मिर्च पाउडर हाफ टेबल स्पून, जिंजर पाउडर पिंच, पिसी हुई काली मिर्च हाफ टी स्पून, स्प्रे जीरा हाफ टी स्पून, कलवंजी हाफ टी स्पून। सबसे पहले इसके छिलके अलग कर लेंगे। कट इन टू क्यूब शेप्स। अच्छा जी, आपने इससे ज़्यादा छोटा नहीं करना, क्योंकि अगर आप ज़्यादा छोटा कर देंगे तो वो चटनी में आम के पीसेस मैश नहीं हो पाएंगे और वो साबुत ही रह जाएंगे। ओके जी, सबसे पहले इसको एक कढ़ाई में या किसी भी बर्तन में आप इसको डाल लीजिए। अच्छा जी, अगर आम बहुत ज़्यादा खट्टे हों तो फिर थोड़ी चीनी ज़्यादा डलेगी, अदरवाइज़ अगर आम पीले हों तो फिर चटनी इस तरह नहीं डलेगी। ओके जी, मैंने 1.25 किलो आम लिए हैं तो उस लिहाज से मैंने 2 कप बढ़ती चीनी डाली है। अगर आप घर में बनाएंगे तो जितने आम हो उसके मुताबिक ही आपको चीनी डालनी होगी। चीनी डालने के बाद बर्तन में उसको 2 घंटे के लिए कवर करके रख दें। चीनी खुद ही डिसॉल्व होगी, हमें फ्लेम चलाने की या अंदर चम्मच फेरने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2 घंटे बाद चीनी डिसॉल्व हो जाएगी और फिर हम बाकी काम करेंगे। आफ्टर 2 आवर्स एज यू कैन सी दैट चीनी इज़ टोटली मेल्ट। ओके जी, आप फ्लेम ऑन कर देंगे और 1 कप पानी डाल के जितने मसाले हैं सारे इसमें ऐड कर देंगे और अच्छी तरह मिक्स करके इसको हल्की आंच पे पकने के लिए रख देंगे। चलिए, अच्छी तरह मिक्स करने के बाद लो फ्लेम पे बर्तन को कवर करके रख दें। तकरीबन 1.5 घंटे के लिए इसको पकने दें चटनी को, और दरमियान में थोड़ी थोड़ी देर बाद आकर चम्मच हिलाते रहें ताकि चटनी नीचे से लगे ना। उस जब चटनी आपको लगे कि थिक होना स्टार्ट हो रही है, चटनी बहुत ज़्यादा थिक नहीं करनी, एज यू कैन सी दी कंसिस्टेंसी, तो उसको अच्छी तरह मैश करना स्टार्ट करें। पकाते वक्त लाजमी चम्मच दरमियान में हिलाते रहें, और जब चटनी आपको लगे कि थिक होना स्टार्ट हो गई है तो उसको अच्छी तरह मैश करना स्टार्ट कर दें। जब मैश हो जाए तो उसको बर्तन में डाल दें और इंजॉय करें। हमारी ठंडी खट्टी मीठी चटनी तैयार है। इसको फ्रिज में रख दें थोड़ी देर और फिर बाद में निकाल के खाएँ तो बहुत ही मज़ा आएगा। फैमिली के साथ इंजॉय करें और हमें कमेंट में बताइए कि आपकी चटनी कैसी बनी। ये चटनी बहुत ही खट्टी मीठी ठंडी और मज़ेदार होती है। मोस्टली ये सब एज के लोगों को पसंद आती है, और आजकल आम का सीज़न है तो इसको घर में बनाए एंजॉय करें। इफ़ यू लाइक माई दिस कुकिंग ब्लॉग्स तो कमेंट डाउन, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में बताइए कि आपको चटनी कैसी लगी। और अगर आप घर में बनाएं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके घर में चटनी कैसी बनी। जी, मैं जा रही हूँ अपनी चटनी एंजॉय करने। आई विल सी यू इन अनदर व्लॉग। बाय बाय।